हम लोग लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे, अपने बेसिस और डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे, और मैंने बताया था कि जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इसके जितने भी क्वेश्चन आपको जहाँ से भी मिले ना, जितने मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उतने, या आपको कोई सी भी बुक मिले, आप सब बुक में से क्वेश्चन लगा दीजिए, क्योंकि आपका जितना ये पार्ट स्ट्रांग होगा ना, आपके एक क्वेश्चन सही होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है हर एग्जाम में। तो लास्ट टाइम जैसे कि हमने कुछ कॉन्सेप्ट करे थे, तो आज कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, और कुछ नए एक दो स्टेटमेंट को मैं ऐड करता हूँ, फिर उनका यूज करेंगे। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं, एक क्वेश्चन लिखता हूँ पहले मैं, लेट v over f is a set of all real polynomials of degree at most n, ठीक है, एक कोई भी वेक्टर स्पेस लिया है, set of all real polynomials up to degree less than or equal to n। if w1 define करते हैं, px belongs to w such that p of 0 is 1, p of 2 is 0, p of 3 is 0। एक w2 define करते हैं, px belongs to w such that p of 1 is 0, p of 0 is 1 and p of 3 is 0। एक w1 define करा है, एक w2 define करा है, then find minimum and maximum dimensions of w1 plus w2 and w1 intersection w2। तो यहाँ पे कोई भी दो सब स्पेसेस गिवन है, w1 एंड w2, आपको पता है v की डायमेंशन कितनी है, n प्लस 1 है, क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल है अप टू डिग्री लेस देन और इक्वल टू n का, तो उसकी बेसिस में n प्लस 1 एलिमेंट आते हैं, इसकी डायमेंशन n प्लस 1 है। एक w1 डिफाइन है, w1 की आप डायमेंशन फाइंड कर सकते हो। एक w2 डिफाइन है, px belongs to, यहाँ पे v कर लीजिए, इधर भी v, such that p of 1 is 0, p of 0 is 0 and p of 3 is 0। तो ये दो सब स्पेस गिवन है, इसकी डायमेंशन फाइंड कर सकते हो। अब पूछा है इसके बाद में, देन फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ w1 plus w2 एंड w1 इंटरसेक्शन w2। तो अगर मैक्सिमम और मिनिमम का केस बोल रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? आपको पता है w1 plus w2 is always a subspace and w1 intersection w2 is always subspaces, provided w1 and w2 are subspace। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें? लास्ट टाइम मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डायमेंशन ऑफ w1 plus w2 is same as डायमेंशन ऑफ w1 plus डायमेंशन ऑफ w2 minus डायमेंशन ऑफ w1 इंटरसेक्शन w2। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, और बताया था कि बहुत इजी सा प्रूफ है, बट इसके प्रूफ की आपको कहीं भी नीड नहीं पड़ेगी, तो मैं प्रूफ नहीं करा रहा। आपको जब भी किसी भी फॉर्मूले की प्रूफ की नीड पड़ेगी, मेरे को लगता है कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या फिर आपके इंटरव्यू के पर्पस से इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको उसका प्रूफ जरूर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम की बात करते हैं। डायमेंशन ऑफ w1 प्लस w2, ये किससे हमेशा ग्रेटर होगा, किससे हमेशा लेसर होगा? तो ग्रेटर किससे होगा? मैंने आपको बताया था कि w1 plus w2 is the smallest subspace containing w1 and w2। तो ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो कंटेन करता है w1 और w2 को। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ w1 कोमा डायमेंशन ऑफ w2। इसकी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? डायमेंशन ऑफ w1 कोमा डायमेंशन ऑफ w2 का मैक्सिमम, क्योंकि ये ऐसा सब स्पेस होता है जो स्मॉलेस्ट होता है w1 और w2 दोनों को कंटेन करने वाला। तो w1 भी इसमें कंटेन होगा, w2 भी इसमें कंटेन होगा, तो उनमें से जिसकी डायमेंशन ज्यादा होगी उतनी डायमेंशन तो आपको इसकी एटलीस्ट मिलेगी ही मिलेगी। अब बात करते हैं मिनिमम की। तो मिनिमम का केस क्या हम यहां से बना सकते हैं? यहां से अगर देखोगे तो इसकी मिनिमम डायमेंशन कितनी बन सकती है? जब आपका ये मैक्सिमम हो जाए, जब आपका ये मैक्सिमम हो जाए, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? या तो इसकी डायमेंशन v के इक्वल हो जाए, ये मैक्सिमम कितना होगा? अगर इसकी डायमेंशन v के इक्वल हो जाए, इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ w1 प्लस डायमेंशन ऑफ w2 माइनस डायमेंशन ऑफ v, ये हो सकता है।
बट क्या पता ये जो एक्सप्रेशन गिविन है ना, इसकी डायमेंशन आपके v से भी ज्यादा हो जाए, तो v से ज्यादा तो कभी हो नहीं सकती है, क्योंकि w1 plus w2 is a subspace of v, तो v से ज्यादा तो हो नहीं सकती। तो एक कॉमा करके मैं क्या लिख देता हूँ, डायमेंशन ऑफ v, तो इनमें से जो मिनिमम होगा ना उससे हमेशा लेस रहेगी इसकी डायमेंशन, क्योंकि यहाँ पे आप मिनिमम का केस डिफाइन कर रहे हो, w1 इंटरसेक्शन w2 को पूरा का पूरा v मान के चल रहे हो, तभी आपको इसकी मिनिमम वैल्यू मिल सकती, तभी आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है इस वाली की। ये हमने मिनिमम का केस डिफाइन करा क्योंकि ये हमेशा इससे ग्रेटर रहने वाली है, और लेसर कब रहेगी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जब आप इसको पूरा का पूरा v सिलेक्ट करोगे वो, या फिर डायमेंशन v से लेस लोगे, तब इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ गलत बोल गया, थोड़ा वेरीफाई करते हैं, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए क्योंकि ये हमेशा किससे लेस रहने वाली है, तो मैक्सिमम की बात करें, तो मैक्सिमम का केस कब बनेगा, जब आपकी ये वैल्यू लेसर होगी, और ये कितनी लेसर हो सकती है, जीरो हो सकती है, इससे लेस तो हो नहीं सकती, तो ये वाला केस कितना हो जाएगा आपका, मिनिमम ऑफ डायमेंशन डब्ल्यू वन प्लस डायमेंशन डब्ल्यू टू कॉमा डायमेंशन ऑफ वी, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसका मैक्सिमम का केस निकालना है, इसकी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, जब इसकी वैल्यू जितनी लेस होगी उतनी ही मैक्सिमम हो सकती है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जीरो हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू आपका ट्रिविअल सबस्पेस बन जाए, तब ये जीरो हो सकती है, बट क्या पता डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन प्लस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू टू आपकी वी की डायमेंशन से भी ज्यादा आ जाए, तो अगर ये वी की डायमेंशन से ज्यादा हो जाएगी तो भी पॉसिबल नहीं है, तो इस केस को हटाने के लिए मैंने क्या करा, कॉमा डायमेंशन ऑफ वी लगा करके मिनिमम लिया है, क्योंकि इसमें से जो मिनिमम आएगा वो वैल्यू हमेशा आपकी सब स्पेस की डायमेंशन बनेगी, क्योंकि वो v की डायमेंशन से हमेशा लेस और इक्वल आ रही होगी। तो ये केस है जहां से आप मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड कर सकते हो, इसको यहीं पे अप्लाई करते हैं, डायमेंशन ऑफ w1 plus w2, तो सबसे पहले डायमेंशन ऑफ v यहां पे लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ v कितनी हो जाएगी आपकी n plus 1, क्योंकि पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n में हमेशा n plus 1 एलिमेंट्स आते हैं बेसिस में, मैं आपको बता चुका हूं 1x, x square up to xn term आते हैं, तो ये पूरे n plus 1 terms हैं जो इसको span कर देते हैं और li भी होते हैं, तो जिसको नहीं पता वो मेरे previous lecture देख सकता है। अब w1 की बात करते हैं, dimension of w1, मैंने बताया था कि dimension of w1 कैसे निकाल सकते हैं, dimension of v minus number of li restrictions, तो यहाँ पे li restriction कितने हैं, एक restriction ये हो गया, एक ये दो हो गया, एक ये तीन हो गया, यानी कि वो polynomial आ रहे हैं जो जीरो पे वैल्यू वन दे रहे हैं, या जीरो पर भी आप इसको जीरो ही कर दो और इसको भी जीरो पे जीरो कर दो, जो जीरो पर जीरो दे रहे हैं, टू पे जीरो दे रहे हैं और थ्री पर जीरो दे रहे हैं, यानी कि ये तीनों के तीनों इसके रूट हैं। बट अब आप ये देखो, क्या ये कंडीशन और ये कंडीशन एलआई है, क्या अगर जीरो पर रूट मिलेगा तो जरूरी है कि टू पर भी रूट मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो ये वाली कंडीशन इससे एलआई है और ये वाली कंडीशन इससे एलआई है, यानी कि ये तीनों आपस में एलआई कंडीशंस हैं, पहले का दूसरे से और दूसरे का तीसरे से कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। डायमेंशन ऑफ w1 इज सेम एज डायमेंशन ऑफ v माइनस नंबर ऑफ li रिस्ट्रिक्शन, तो डायरेक्टली मैं यूज कर रहा हूं डायमेंशन ऑफ w1, डायमेंशन ऑफ v कितनी n प्लस 1, रिस्ट्रिक्शन कितने यहां पर, एक रिस्ट्रिक्शन, दो रिस्ट्रिक्शन, तीन रिस्ट्रिक्शन, तीन रिस्ट्रिक्शन है, तो ये कितना आ जाएगा n माइनस 2, तो डायमेंशन ऑफ w1 आ गई n माइनस 2। सिमिलर वे में डायमेंशन ऑफ w2 निकालते हैं, डायमेंशन ऑफ w2 कितनी हो जाएगी, p of 1 पे वैल्यू 0, p of 0 पे 0, p of 3 पे 0, यहां पर भी तीन कंडीशन है और तीनों के तीनों li है, तो सेम आ जाएगी यहां पे n minus 2, डायमेंशन ऑफ w1 इज n minus 2, डायमेंशन ऑफ w2 इज n minus 2। अब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो डायमेंशन ऑफ w1 plus w2, मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ w1 plus w2 कितनी हो जाएगी, डायमेंशन w है n minus 2, डायमेंशन w2 है n minus 2, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2n minus 4, 2n minus 4, तो मिनिमम ऑफ 2n minus 4 और डायमेंशन ऑफ v कितनी है आपकी n plus 1, n plus 1, इसका मिनिमम इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि n की आपको एग्जाम में कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू गिवन होगी। मैं इन जनरल केस लेके चल रहा हूं, ये किससे हमेशा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ w1 कॉमा डायमेंशन ऑफ w2, तो इन दोनों की तो मैक्सिमम लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डायमेंशन कितनी आ रही है n minus 2, n minus 2, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, तो n minus 2 है, तो यहां से आपको क्या मिला कि n जो होगा ना वो हमेशा हमेशा 2 से ग्रेटर और इक्वल होगा, क्योंकि 2 से लेस होते ही ये माइनस में हो जाएगा, तो 2 से लेस तो नहीं हो सकता, तो ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 2 के लिए डिफाइन कर सकते हैं।
अदरवाइज जो हम डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन निकाल रहे हैं ये माइनस में चले जाएगी जो कि डिफाइन नहीं होगी। तो ये तो है मेरे पास डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू की मैक्सिमम और मिनिमम का केस। तो इसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लेना, ये आपको बहुत काम में आएगा, खास करके नेट में और जेम में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है मैक्सिमम और मिनिमम को लेकर के। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन वाले की। डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, जो भी फॉर्मूला लिखा था फाइनाइट डायमेंशनल के लिए, अब W1 इंटरसेक्शन को यहां ले आते हैं, W1 प्लस W2 को वहां ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा करके, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो W1 इंटरसेक्शन W2 वाला सबस्पेस होता है ना, ये लार्जेस्ट सबस्पेस होता है जो कि W1 और W2 में कंटेन होता है, जो कि आपका W1 और W2 दोनों में कंटेन होता है। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम मिनिमम ऑफ डायमेंशन W1 कॉमा W2, क्योंकि ये W1 में भी कंटेन है और W2 में भी कंटेन है, तो जो मिनिमम वाली होगी वही इसकी उससे ये हमेशा लेस रहने वाला है, इक्वल नहीं बोल सकते एग्जैक्टली बट उससे हमेशा लेस रहने वाला है, और किससे ग्रेटर होगा हमेशा, लार्जेस्ट वैल्यू हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। तो W1 इंटरसेक्शन W2 सबस्पेस तो बनेगा, इसकी डायमेंशन या तो जीरो हो सकती है, क्या पता दोनों ही में कुछ कॉमन ही ना आए, तो या तो जीरो हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, यहां से आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो, यहां से इसकी मिनिमम वैल्यू पर बात कर रहे हैं, यानी कि इसकी जो वैल्यू है ना हमेशा इस वाले एक्सप्रेशन से बड़ी ही आने वाली है, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी मिनिमम कब होगी, जब आपका ये मैक्सिमम होगा, ये इसकी आप ये मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हो, तो ये मिनिमम कब होगा, जब आपका ये मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी डायमेंशन सेम हो जाएगी वी की डायमेंशन की, या फिर डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा वी ही बन जाएगा, तो इसकी या तो जीरो आएगी या फिर क्या डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ V, इसमें से मैक्सिमम वाला केस, इसमें से मैक्सिमम वाला केस, क्योंकि लिस्ट इतनी रहने वाली है, और लिस्ट जीरो भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो या तो जीरो रहेगी या फिर इस एक्सप्रेशन, और इनमें से जो मैक्सिमम रहेगा इससे हमेशा ग्रेटर होने वाली है, तो इस केस को यहाँ पे यूज करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ डायमेंशन W1 कॉमा W2, ये दोनों अभी कितनी है, ये n-2 है, ये तो ये n-2 से हमेशा लेस रहने वाला है, और जीरो मैक्सिमम ऑफ आइदर जीरो और डायमेंशन ऑफ W1 n-2, दिस इज अगेन n-2 व्हिच इज 2n-4, तो 2n-4 माइनस डायमेंशन ऑफ V, ये कितना है n हो जाएगा, तो इनमें से जो भी मैक्सिमम रहेगा वो वैल्यू आप यहां पर सिलेक्ट करोगे, तो यहां से पता लगता है कि W1 इंटरसेक्शन W2 की डायमेंशन किस किस के बीच में लाई कर सकती है। डायरेक्टली निकालने का तरीका देखते हैं, हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, ये तो रहा मैक्सिमम और मिनिमम का केस। अब मेरे को अगर डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये भी अपने आप में एक सबस्पेस बनेगा, तो डायमेंशन V माइनस नंबर ऑफ LI रिस्ट्रिक्शन कर सकता हूँ। अब मेरे को LI रिस्ट्रिक्शन काउंट करने हैं जो W1 इंटरसेक्शन W2 में आए, तो W1 इंटरसेक्शन W2 में कौन से रिस्ट्रिक्शन आएंगे, इसमें वो सारे पॉलीनोमियल आएंगे जो इसकी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो जितनी भी कंडीशन गिवन होती ना आप उनका यूनियन लीजिए। यूनियन क्यों लेते हैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें वो सारी कंडीशन आ रही हैं या फिर वो सारे पॉलीनोमियल आ रहे हैं जो इसके अंदर गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसके अंदर गिवन से कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब W1 इंटरसेक्शन W2 के मेंबर कैसे लिखते हो, X, where X belongs to W1 and X belongs to W2, दोनों से बिलोंग करता है, तो आप इनकी दोनों की कंडीशन को लिख के चलोगे। तो डायमेंशन ऑफ V कितनी है, n plus 1 minus number of LI restriction, टोटल कंडीशन कितनी है, 6 कंडीशन है। अब इसमें से आपको LI लेनी है, जैसे ये वाली P3 पे 0, ये LI नहीं है, तो इनमें से आपको एक काउंट करनी पड़ेगी, ये 2 पे 0 हो रहा है, ये 1 पे 0 हो रहा है, ये 0 पे 0 हो रहा है, तो 0 वाली 0 कंडीशन, ये भी आपकी LI नहीं होगी, तो इनमें से एक कंडीशन काउंट करोगे, इसमें से एक कंडीशन काउंट करोगे, और एक ये वाली कंडीशन, तो आपके पास एक ही कंडीशन आएगी, एक ही कंडीशन आएगी, एक ही कंडीशन आएगी,
और एक ये कंडीशन आएगी क्योंकि रिमेनिंग पी जीरो पे जीरो और पी थ्री पे जीरो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों डिपेंडेंट हो जाएंगी पी थ्री और जीरो पर और पी जीरो पे जीरो ये गिवन कर रहे हैं। तो एल आई कितनी हो जाएगी आपके पास फोर, तो आपकी एग्जैक्ट आ जाएगी एन माइनस थ्री। तो यहाँ से आप एग्जैक्ट भी बता सकते हो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू की ये हो गई और डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू ये कितनी होती है, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन प्लस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू टू माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू ये होती है। तो ये कितनी हो जाएगी डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन एन माइनस टू, दिस इज अगेन एन माइनस टू माइनस इंटरसेक्शन की डायमेंशन कितनी है एन प्लस थ्री हो जाएगी क्योंकि माइनस प्लस है प्लस का हो जाएगा। तो एग्जैक्टली कितनी आ जाएगी एक एन से एक एन कैंसिल आउट एन माइनस टू एन माइनस टू एन माइनस टू प्लस माइनस टू माइनस थ्री विच इज सेम एज एन माइनस वन। तो जो आपका डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू की डायमेंशन है वो एन माइनस वन हो जाएगी, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर वो आपसे मैक्सिमम मिनिमम पूछता है तो आप वो फाइंड कर सकते हो और अगर एग्जैक्ट पूछता है तो आपको डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू वाले की पहले निकालना आनी चाहिए तभी आप निकाल सकते हो, अदरवाइज आप नहीं निकाल पाओगे। बट मैक्सिमम और मिनिमम वाले में डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू का कोई भी यूज नहीं हो रहा था तो वहां से विदाउट उसके यूज के भी निकल जाती है। अब एक स्टेटमेंट लिखते हैं, लेट वी ओवर एफ बी एनी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। आपके पास कोई भी वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन एन है यानी कि कोई ना कोई फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है। इफ S spans V, this implies, या फिर ऐसे कर लेते हैं, if cardinality of S is N and S spans V, अगर आपके पास कोई भी n dimensional vector space है ना तो आप उसका कोई भी एक subset उठाओ जिसमें कि n elements हो और वो अगर उसको generate कर रहा है vector space को तो वो हमेशा set कैसा बनता है, उसकी basis बनता है। बेसिस बनेगा तो ये एल आई भी होगा, एस इज एल आई इफ एंड ओनली एस इज बेसिस। तो या तो आप स्पैनिंग की कंडीशन यूज करो या एल आई की कंडीशन यूज करो या फिर बेसिस की कंडीशन यूज करो, तीनों ही इक्विवेलेंट है। ये कब का केस है, जब आपके पास कोई भी ऐसा वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन एन है और आप एक ऐसा सबसेट ले रहे हो उसका जो कि उसको जनरेट कर दे रहा है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो या तो वो एल आई हो या तो वो एल आई हो, तो एल आई भी लोगे तब भी वो उसको जनरेट करेगा और वो बेसिस बनेगा। तो ये कंडीशन तब यूज करनी है जब आपका ये फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, तब हम इस कंडीशन को यूज कर सकते हैं। तो एक कोई भी ऐसा सबसेट लो जिसकी कार्डिनलिटी सेम हो उसकी डायमेंशन के और वो आपके वेक्टर स्पेस को या तो जनरेट करे या फिर वो एल आई हो या बेसिस बने, बेसिस बनेगा तो डन। बट अगर एल आई भी बन रहा है और या फिर उसको जनरेट कर रहा है तो वो एल आई भी होगा और स्पैन भी करेगा, तो उसका मतलब क्या है वो बेसिस बन जाएगा। तो ये एक स्टेटमेंट है, इसको आप इजीली प्रूफ कर सकते हो। जैसे मैंने बेसिस की डायमेंशन दी थी, बेसिस इज द स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट एंड बेसिस इज द लार्जेस्ट एल आई सेट, तो वहां से डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा। इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं, लाइक S is x1, x2, xn be the basis of V over F, where V over F be any vector space. Define T. एक सेट T डिफाइन कर रहा हूँ, alpha1 x1, comma alpha1 x1 plus alpha2 x2 और 2 alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus up to alpha n xn plus alpha n xn. First option है, if t is li, this implies alpha I is non-zero for all i. B option, if t spans V, this implies alpha i's are non-zero for all i. Option C, if alpha i's are non-zero for all i, this is span, this implies t is li. D option है, if alpha i's are non-zero for all i, this implies t spans V.
क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मेरे को तो नहीं लग रहा कि आपको समझ में आ रहा है, तो बहुत ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। एक आपके पास क्या है, एक n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है जिसकी कोई बेसिस क्या है, x1 x2 xn। तो इस बेसिस का यूज करके ना एक नया सेट डिफाइन करा गया है जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है α1 x1, सेकंड एलिमेंट क्या है α1 x1 + α2 x2, यानी कि उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से मिला के एक सेट बना रहे हैं। और लास्ट एलिमेंट कितना है α1 x1 + α2 x2 + अप टू αn xn। इसमें वन एलिमेंट आ रहा है यानी कि इसमें वन टाइम समेशन आ रहा है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में दो आ रहे हैं, तो nth एलिमेंट में कितने आएंगे, n आएंगे टर्म्स। तो यहां पे एक टर्म है, यहां दो टर्म है, तो nth एलिमेंट में n टर्म्स आने चाहिए, तो nth एलिमेंट में n टर्म्स आ रहे हैं। इसको नया नाम दे दो y1 y2 और ये वाला एलिमेंट आप मान लो yn। ठीक है, आपने क्या करा y1 y2 इन सबको मान लिया yn। अब फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, इफ t इज li, इफ t इज li, तो मैंने मान लिया let t is li, क्या इंप्लाई करेगा अल्फा इज नॉन जीरो फॉर ऑल i। तो इसका नेगेशन यूज करके देखते हैं, नेगेशन क्या होगा, मान लेते हैं इफ अल्फा इज जीरो फॉर सम i। मैंने क्या माना कि अल्फा i इज जीरो फॉर सम i, अल्फा i अगर आपका जीरो हो रहा है फॉर सम i के लिए, तो मैं सिंपली अल्फा 1 को मानता हूं क्योंकि ये किसी भी फॉर सम के लिए हो रहा है ना, मैं किसी पर्टिकुलर के लिए मान लेता हूं। मैंने माना कि इफ कोई सा भी अल्फा इज जीरो हो रहा है, लेट इफ अल्फा 1 इज जीरो, अगर मेरा अल्फा 1 जीरो हो गया तो जैसे ही अल्फा 1 जीरो होगा दिस इंप्लाइज जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है y1 ये कितना हो जाएगा जीरो एलिमेंट, और जीरो बिलोंग्स टू t, जीरो बिलोंग्स टू t। तो अगर किसी भी सेट में जीरो आ जाए और उसके अलावा उसमें और भी एलिमेंट्स हो तो क्या वो सेट कभी li हो सकता है, क्योंकि जीरो एलिमेंट्स, जीरो एलिमेंट इज ऑलवेज डिपेंडेंट, आप जीरो को किसी से भी जनरेट कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी कांस्टेंट ले लो या कोई सा भी वेरिएबल ले लो, अगर आप फील्ड का जो कांस्टेंट लेते हो उसको जीरो ले लोगे तो जीरो हमेशा जनरेट हो जाएगा। तो जीरो इज डिपेंडेंट एलिमेंट, दिस इंप्लाइज टी इज डिपेंडेंट, टी इज डिपेंडेंट। तो मैंने यहां पे क्या करा है, सिर्फ नेगेशन का यूज करा है, लेट टी इज एल आई, दिस इंप्लाइज अल्फा इज नॉन जीरो फॉर ऑल आई। मैंने मान लिया कि इफ अल्फा इज जीरो फॉर सम आई, किसी भी एक के लिए मान लिया, इफ अल्फा 1 इज जीरो दिस इंप्लाइज y1 इज जीरो, और जीरो बिलोंग, जीरो वेक्टर जैसे t के अंदर आएगा ना तो t कभी भी एल आई नहीं बचेगा, क्योंकि जैसे जीरो वेक्टर आएगा तो वो हमेशा डिपेंडेंट सेट बन जाएगा, क्योंकि जीरो को आप किसी भी और दूसरे वेक्टर से जनरेट कर पाओगे, तो t मेरा डिपेंडेंट हो जाएगा, तो t डिपेंडेंट हो गया। इसका मैंने नेगेशन यूज करा तो नेगेशन सही आ रहा है, इसका नेगेशन क्या होगा, t is li implies alpha is non zero for all i, for some की जगह कितना हो जाएगा for all हो जाएगा, t is dependent की जगह t is li हो जाएगा, this implies alpha is non zero for all i। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको आप यूज कर सकते हो नेगेशन का यूज करके। और दूसरा क्या है, इसमें देखो ये n एलिमेंट्स हैं, ये n एलिमेंट्स हैं, तो आप सिंपली इसका क्या करो, जैसे आप li प्रूफ करते हो, li कैसे प्रूफ करते हो कि जीरो हैज ओनली ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन, तो आप यहां पर इसका ना जीरो का लीनियर कॉम्बिनेशन लो विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t, तो आप जीरो का लीनियर कॉम्बिनेशन लो, अगर वो ट्रिवियल आ जा रहा है दिस इंप्लाइज t इज li, t इज li। अब देखते हैं क्या बात होगी, अब सेकंड ऑप्शन में बोला है इफ t स्पेंस v, If t spans v, अगर t v को span कर रहा है और cardinality of t कितनी है, dimension of v के same है, which is again n। तो मैंने अभी भी बताया था कि अगर आपके पास कोई भी n dimensional vector space है और आपको एक subset मिल जा रहा है t का, कैसा, जिसकी cardinality dimension के equal है, this implies s is basis, sorry t is basis और t is li, ये li भी बन जाता है और बेसिस भी बन जाता है। तो अगर ये बेसिस बन गया तो क्या कोई अल्फा ये जीरो होगा, कोई भी अल्फा यहां पे जीरो नहीं हो सकता, कोई भी अल्फा आपका जीरो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी ट्रू है इफ अल्फा इज आर नॉन जीरो फॉर ऑल i। अब ये ऑप्शन आपको वेरीफाई करना है, सी और डी ऑप्शन, इफ अल्फा इज आर नॉन जीरो फॉर ऑल i, तो आपको शो करना है कि t आपका क्या होगा, li होगा। तो आप क्या मान के चलोगे, अज्यूम करोगे अल्फा इज आर नॉन जीरो फॉर ऑल i, आपको प्रूफ करना है t इज li, t को li कैसे प्रूफ करोगे,
आप इसका सिर्फ जीरो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे और शो करोगे कि जीरो हैज अ ओनली ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन, तभी आपका प्रूफ हो जाएगा। इफ अल्फा इज अ नॉन जीरो फॉर ऑल आई, तो आप प्रूफ कर चुके हो कि टी इज एल आई, टी में एन एलिमेंट्स आ रहे हैं तो टी पक्का इसकी बेसिस बनने वाला है, बेसिस बनेगा तो ये इसको हमेशा स्पैन करेगा, हमेशा स्पैन करेगा। इस तो एक तो ये तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का, और एक मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा इसको कैसे मैट्रिक्स बना के हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, अभी डिफाइन करते हैं n क्रॉस n ओवर r, सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर द फील्ड r, ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। एक w डिफाइन करते हैं, eij n क्रॉस n belongs to v such that aij is same as ars whenever i plus j is same as r plus s। एक क्वेश्चन है where v is given as set of all n क्रॉस n matrices over the field r, एक w डिफाइन करा गया है, v के बहुत सारे नंबर लिए गए हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये कंडीशन क्या है, ए आई जे एट एंट्री सी में ए आर एस एट एंट्री के, वो कब है जब इनका जो सफिक्स है i और j इनके समीशन सेम है, i plus j is same as r plus s, तो डायमेंशन ऑफ w कितनी होगी, फर्स्ट ऑप्शन n स्क्वायर माइनस वन, बी ऑप्शन n माइनस वन, सी ऑप्शन 2n प्लस वन, डी ऑप्शन none of these, is n minus 1 given at 2n minus 1, dimension of w, first option n square minus 1, b option 2n minus 1, c option 2n plus 1, d option none of these। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो ना इस टाइप के क्वेश्चनों में, सिंपल आप क्या करो ना n की वैल्यू अज्यूम कर लो, सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू, जब भी मैट्रिक्स का केस गिवन होगा ना तो n की वैल्यू एटलीस्ट 2 चूज करना, क्योंकि 1 चूज करोगे तो वो कांस्टेंट वाला कोई नंबर आ जाएगा, तो उससे जरूरी नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो या नहीं हो। तो जब भी मैट्रिक्स का केस गिवन है ना, आप n की वैल्यू को 2 अज्यूम कर लो, एक 2 क्रॉस 2 का सिंपल मैट्रिक्स ले लो और उस पे ये कंडीशन अप्लाई करो, लेके देखते हैं। अगर मैंने n को 2 फिक्स करा तो इसके मैट्रिक्स कैसे आएंगे, a11 a12 a21 a22 आएंगे, ठीक है। तो n की वैल्यू मैंने 2 चूज करी है, तो अब यहां पे क्या कंडीशन लगानी है, aij is same as ars provided i plus j is same as r plus s। तो यहां पे सफिक्स का सम कब कब इक्वल है, यहाँ पे सम 3 है, यहाँ पे सम 3 है, तो ये वाली एंट्री और ये एंट्री सेम हो जाएगी, जबकि ये दोनों एंट्री का कोई इनसे लेना देना नहीं है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो a11 a12 लिखो, और इसकी जगह भी आप a12 लिख सकते हो क्योंकि ये एंट्री सेम है बाय गिविंग कंडीशन, और यहाँ पे a22 लिखो। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, इसकी डायमेंशन जरा देखो, एक इसको चाहिए वेक्टर जनरेट करने के लिए 1 0 0 0, ये वेक्टर चाहिए, इसको जनरेट कर लोगे तो ये जनरेट हो जाएगी क्योंकि ये दोनों एंट्री सेम है, तो इसके लिए आपको कोई नया एलिमेंट नहीं चाहिए या कोई नया वेक्टर नहीं चाहिए, और एक आपको ये जनरेट करने के लिए चाहिए a22, तो एक वेक्टर इसके लिए, एक वेक्टर इसके लिए और एक वेक्टर इन दोनों के लिए, तो कितनी चॉइसेस हैं आपके पास, 3 चॉइसेस हैं, या फिर 3 आर्बिट्री एंट्रीज को जनरेट करना है तो डायमेंशन 3 हो जाएगी। तो अब ऑप्शन में पुट करके देखते हैं n = 2, अगर फर्स्ट वाले में पुट करेंगे n = 2 तो कितना आएगा, 4 - 1 3 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हो सकता है। बी ऑप्शन 2n माइनस 1, अगर n की जगह 2 रखोगे तो ये भी 3 आ रहा है, ये भी पॉसिबल है। सी ऑप्शन 2n प्लस 1, अगर इसकी जगह रखोगे तो 5 आएगा, तो ये डिस्कार्ड, तो डी में सी मेरा डिस्कार्ड, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, अगर डी की जगह कुछ और वैल्यू गिवन होगी तो वो भी डिस्कार्ड होने के चांसेस हैं। तो यहाँ से डिस्कार्ड करके मेरे पास 2 ऑप्शन बचे, कभी कभी होगा कि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा तो वहां से आप डायरेक्टली बोल सकते हो। अब यहाँ तो आप यहाँ पे n की 3 वैल्यू चूज करो, दोबारा इसको डिस्कार्ड करो, या फिर आप क्या करो इसको जनरेट करो, इसको जनरेट करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं जो कि w के मेंबर हैं, फर्स्ट एंट्री a11, सेकंड एंट्री a12, थर्ड एंट्री a13, a14 अप टू a1n, देन a21, a31 अप टू an1, a22, a23, a2n अप टू ann। अब कंडीशन का यूज करते हैं, क्या गिवन है, जब भी सफिक्स का सम सेम है देन एंट्रीज आर सेम, इस एंट्री को जनरेट कर लिया तो इसको जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है,
इस एंट्री को जनरेट कर लोगे तो इसको जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसी 2-3 एंट्री है तो ये 1-4 से जनरेट हो जाएगी। और यहाँ पे कौन सी एंट्री आएगी, A32 आएगी वो जनरेट हो जाएगी, A14 आ जाएगी वो जनरेट हो जाएगी, यहाँ पे जो आपकी A41 एंट्री होगी वो जनरेट हो जाएगी। तो अब आपको उसको जनरलाइज करना है, इसको जनरलाइज कैसे करेंगे, देखो इसको जनरेट करने के लिए एक एंट्री ये जनरेट कर ली तो ये जनरेट हो जाएगी, N1 1N से जनरेट हो जाएगा क्योंकि सफिक्स का सम N+1 है। तो आपको देखो कौन कौन सी एंट्री चाहिए, A11 चाहिए, A12 चाहिए, A31 A13 चाहिए, A14 चाहिए, ये सारी एंट्रीज चाहिए इनके लिए एन चॉइसिस। अब रिमेनिंग दूसरी वाली रो पर आते हैं, दूसरी वाली रो पर देखो जैसे इससे पहले वाली एंट्री अभी क्या आएगी, A1 N-1 A1 N-1, तो इनके सफिक्स का सम कितना आएगा, एन आ जाएगा, इनके सफिक्स का सम एन आ जाएगा। तो इस एंट्री से आप कौन सी जनरेट कर पाओगे, A2 N-2 ये वाली एंट्री जनरेट कर पाओगे, यानी कि इससे ठीक पहले वाली एंट्री, इससे ठीक पहले वाली एंट्री, उसके लिए एन चॉइसेस हो गई। अब सेकंड वाले रो में देखते हैं, A21 जनरेट हो जाएगी आपकी इससे, A22 इससे जनरेट हो जाएगी, A23 इससे जनरेट हो जाएगी, ए नेक्स्ट एंट्री आएगी A24, तो वो अभी किससे जनरेट हो जाएगी, जिसमें सबबेस का सम 6 आ रहा हो, तो यानी कि ये 15 वाली एंट्री से जनरेट हो जाएगी, ये वाली एंट्री इससे जनरेट हो जाएगी। तो यहां पर जितनी भी एंट्रीज आएंगी ना, इन सबको जनरेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इन सबको जनरेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सारी यहीं से जनरेट हो जाएगी। लेकिन अब जैसे ही आप इस डायगनल से नीचे देखोगे ना, इस डायगनल से नीचे देखते हैं, जो ये आपका एंटी डायगनल है, ठीक है, इससे जैसे ही अगर आप नीचे देखना स्टार्ट करोगे तो A2N एंट्री कहां से जनरेट करोगे आप, इसके लिए आपको N2 वाली एंट्री चाहिए। तो जैसे आपने फर्स्ट रो का यूज करा ना, लास्ट वाले रो का यूज करते हैं, इसको जनरेट करने के लिए एक एंट्री चाहिए, इसको जनरेट करने के लिए एक एंट्री चाहिए, इससे पहले आपकी आएगी A N-1 A N N-1। तो ये वाली एंट्री अगर आपने जनरेट कर ली तो आपकी ये जनरेट हो जाएगी An-1N, क्योंकि इनका सफिक्स का सम 2N-1, इस सफिक्स का सम 2N-1। तो आप अगर ये सारी जनरेट कर लोगे तो अपर डायगनल वाली सारी की सारी आपकी जनरेट हो जाएगी। तो आपको फर्स्ट रो जनरेट करनी है और लास्ट रो जनरेट करनी है, ये सारी की सारी रो मिलके सारी की सारी एंट्रीज को जनरेट कर दोगे। तो अगर आपने ये सारी काउंट कर रखी है तो A1N वाली एंट्री N-1 से जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक्जैक्टली कितनी करनी है, N-1 एंट्री जनरेट करनी है, क्योंकि आप N1 को जनरेट कर सकते हो 1N से। तो इसलिए अगर आप जो लास्ट वाली रो काउंट कर रहे हो तो उसमें से आपको N-1 ही एंट्रीज लेनी पड़ेगी, क्योंकि N-1 आप पहले ही जनरेट कर चुके हो। तो फर्स्ट वाली के लिए N चॉइसेस और लास्ट रो के लिए N-1 चॉइसेस। तो इन एंट्रीज से मिला करके आप पूरे के पूरे इस टाइप की मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हो जो कि W में गिवन है। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 2N-1। तो अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है तो आपको जनरलाइजेशन करना पड़ेगा। तो एक ये तरीका है या फिर वही ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, आप भी पर्टिकुलर वैल्यू सिलेक्ट करो और डायमेंशन फाइंड करो। ये कुछ अच्छे अच्छे वेक्टर स्पेसेस हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, या फिर इससे रिलेटेड आपसे डायमेंशन के बारे में पूछा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ, उसको आधा मैं सॉल्व करूंगा आधा आप सॉल्व करोगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आपको सिखा के जाएगा कुछ ना कुछ। V is defined as Rn over R, set of all n tuples over the field R. एक W define करते हैं, W मैंने किसके define कर रखा है, A1, A2, An, set of all n tuples such that Aith entry is same as An/2th entry का greatest integer function such that I is running from 1 to up to N/2 greatest integer times। तो समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, आपको फाइंड करनी है डायमेंशन ऑफ W। तो W में वो सारे n tuples आ रहे हैं जिसके लिए ith एंट्री सेम है An/2th एंट्री के, जब जब i की वैल्यू कहां से रनिंग कर रही है, 1 से लेकर फैक्टोरियल ग्रेटेस्ट इंटीजर N/2 टाइम्स। ये क्या है आपका GIF, फोटो वाला GIF नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब इसको देखो, इसको आप किस टाइप से जनरलाइज कर सकते हो, सेम तरीका है, मैं सबसे पहले कुछ पर्टिकुलर वैल्यू सेलेक्ट करके भी इसको कर सकता हूं, एन की कुछ वैल्यू आप मान लो, या तो ऑड गिवन होगी या इवन गिवन होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। लेकिन अगर वो वैल्यू गिवन नहीं है तो आप इसको जनरल तरीके से कैसे करोगे, उससे थोड़ा सा मैं स्टार्ट करता हूं, फिर इसको आप लोग करोगे। फर्स्ट केस अज्यूम करते हैं, इफ एन इज इवन,
n is even n, तो define कर लेते हैं कि जो n by 2 है ना greatest integer function, ये define कैसे होगा? अगर n is even होगा तो n by 2 divisible होगा या कोई ना कोई integer number देगा या कोई positive natural number देगा, तो ये क्या आ जाएगी value? n by 2 ही आ जाएगी, क्योंकि integer होगा तो integer बाहर आ जाएगा, ये कब आ रहा है when n is even। अब जब n odd होगा तो n by 2 यानी कि n उस 2 से divisible नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, n minus 1 divisible होगा 2 से, n minus 1 by 2, ये कब आएगा जब आपका n odd है, ये define हो गया। अभी define हो गया तो find करते हैं if n is even, अगर n मेरा even है तो w में कैसे element आ रहे हैं, a1 a2 an such that ai entry is same as n by 2, इसलिए n by 2 ही आ जाएगा since n is even, तो a1 is same as I is running from 1 to up to n by 2, ठीक है, तो यानी कि इसमें total entries कितनी है, n entries हैं और n की value आप even select कर गए हो, तो n is even है तो n by 2 आपका well defined होगा, इसकी entry लिखते हैं a1 a2, अब ith entry, अब इस चीज को ध्यान से समझना, ith entry same है n by 2 के, where I is running from 1 to n by 2, तो i की जगह मैं 1 सेलेक्ट करता हूं, तो एंट्री क्या आ जाएगी मेरी an by 2, ये आपकी फर्स्ट एंट्री है, अब i की जगह 2 रखोगे तो भी आपके क्या आएगा n by 2 आएगा, ये सेकंड एंट्री है, बहुत ध्यान से समझना, ऐसे ही अगर मैं an by 2 है एंट्री आएगी, क्योंकि i की वैल्यू कितनी है n by 2 गिवन है, तो जब i की वैल्यू n by 2 आएगी ये कौन सी एंट्री आपकी n by 2th एंट्री है, n by 2th एंट्री है, बट इसके बाद जो एंट्रीज आएंगी ना उसमें ये वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी, तो an by 2 के बाद कौन सी आएगी आपकी an by 2 plus 1, उसके सेम नेक्स्ट वाली एंट्री, देन लास्ट एंट्री आपकी an, इस टाइप के ही एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि ai को आपने क्या यूज करा 1 से लेकर n by 2 तक सबकी जगह an by 2 रख दिया है, i को आपने n by 2 तक क्या रखा है सबकी जगह n by 2 रखा है, तो इसकी डायमेंशन निकालनी है, इस एंट्री को जनरेट कर लोगे तो इस इन सारी एंट्री को जनरेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इन सबको जनरेट कर लिया तो इनको यहां तक की एंट्री को जनरेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक एंट्री चाहिए, तो इन सब के लिए एक चॉइस, यहां तक की एंट्री के लिए एक चॉइस, अब रिमेनिंग एंट्री कितनी है, ये देखो n आपका इवन है, आपने n by 2 करा, तो अगर आप किसी इवन नंबर को हाफ करोगे तो एग्जैक्टली आधे आधे में डिवाइड होगा, वो आधे आधे में डिवाइड होगा, जैसे 6 को करोगे तो 3-3 में डिवाइड होगा, 8 को करोगे 4-4 में डिवाइड होगा, तो n को डिवाइड करोगे तो n by 2 में डिवाइड होगा, ये एंट्रीज n by 2 एंट्रीज हो चुकी हैं, जिसको सिंगल एक एंट्री से जनरेट हो जा रहा है, अब इनके लिए कितनी चॉइसेस हैं, एक चॉइस इसके लिए, एक इसके अगले के लिए, तो ये कितनी एंट्रीज हैं, n by 2 एंट्रीज हैं, ये कितना आ जाएगा आपका n by 2, व्हिच इज अगेन सेम एज 1 प्लस n by 2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिखो या विदाउट ऐसे लिखो, ऐसे करके भी लिख सकते हो, तो अगर आप यूज कर रहे हो n को इवन मान करके तो डायमेंशन मिलेगी आपको 1 plus n by 2, तो ये था इवन का केस, अब आपको सिमिलर वे में ऑड का केस अज्यूम करना है एंड इसको डिफाइन करना है ऐसे करके, और जो तरीका मैंने अपनाया ना इस तरीके से ही आप जनरलाइजेशन करोगे, क्योंकि इससे सिंपल वे इसका कोई भी नहीं है, ये क्वेश्चन आपका किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, नेट वगैरह के एग्जाम में आ चुका है, इस टाइप क्वेश्चन आने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा। अब लास्ट क्वेश्चन डिफाइन करते हैं एक और, बी में लिखे चलता हूं Rn ओवर x, सेट ऑफ ऑल n, सेट ऑफ ऑल पॉलीनोमियल्स ओवर द फील्ड r अप टू डिग्री n, एक इसका w डिफाइन करते हैं, px बिलोंग्स टू v सच दैट p ऑफ x इज सेम एज p ऑफ 1 minus x, इसको भी बहुत अच्छे से समझना, we define as set of all polynomials of degree up to n over the field R, और w define करा गया है set of all polynomials are coming from v such that p of x is same as p of 1 minus x, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं, इसके भी आपसे डायमेंशन ऑफ w पूछ रहा है, तो डायमेंशन ऑफ w कैसे निकालेंगे, इस कंडीशन में यूज करते हैं if px belongs to w, अगर इसका कोई भी पॉलीनोमियल लोगे तो वो उसमें क्या है x का कोफिशिएंट मतलब
जो ये टर्म्स x की आते हैं ना उसके साथ साथ 1 माइनस x की टर्म्स भी आ रही हैं। अगर x की टर्म आ रही है तो आपकी 1 माइनस x की टर्म भी आ रही है। अगर वो पॉलीनोमियल x में है तो उसमें 1 माइनस x के भी टर्म्स आ रहे हैं, तो ये साथ साथ टर्म्स आएंगे। तो अगर कोई पॉलीनोमियल इसमें से आ रहा है तो ये किस फॉर्म का होगा, सम a नॉट प्लस a नॉट, अगर x की टर्म आ रही है तो 1 माइनस x की भी टर्म आएगी, 1 माइनस x की भी टर्म आएगी। या फिर आप इन दोनों को इक्वल लेके जनरलाइज कर सकते हो इसको, प्लस a2, अगर x स्क्वायर की टर्म आएगी तो 1 माइनस x स्क्वायर की टर्म भी आने वाली है, अगर x स्क्वायर की टर्म आएगी तो 1 माइनस x के होल स्क्वायर की टर्म भी आएगी, क्योंकि पॉलीनोमियल गिवन है p ऑफ x इज सेम एज p ऑफ 1 माइनस x। और जो लास्ट टर्म आएगी, लास्ट टर्म मैं मान लेता हूं क्योंकि इसकी डायमेंशन n प्लस 1 है, यहां की डायमेंशन मेरे को नहीं पता या डिग्री भी नहीं पता कि कितनी डिग्री आएगी, तो मैं डिग्री कुछ k मान लेता हूं। अगर x की पावर k का अगर फंक्शन आएगा तो 1 माइनस x की पावर k का भी फंक्शन इसके साथ में आएगा। तो ये आपके पास px जो भी इसमें से आएंगे इस फॉर्म के होंगे। अगर ये इस फॉर्म के हैं तो इस फॉर्म के लिए आप डिग्री कितनी है इसकी, लेस देन और इक्वल टू हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यहां पे x की पावर k है और 1 माइनस x की पावर k है, एक को एक यहां से मिलेगा x की पावर k का, एक यहां से मिलेगा x की पावर k का, तो x की पावर 2k, तो डिग्री इज लेस देन इक्वल टू 2k, ठीक है, डिग्री इज लेस देन इक्वल टू 2k। अब आप इसकी डायमेंशन निकाल लिए आपको, तो डायमेंशन आप कैसे लिखते हो, डिग्री हो गई आपकी ये 2k, ठीक है, और डायमेंशन ऑफ v कितनी है आपकी n प्लस 1, डायमेंशन कितनी है आपकी v की n प्लस 1 डायमेंशन है। अब आपको डायमेंशन निकाली है w की, तो w की डिग्री है 2k, और 2k जो की जो वैल्यू है ना ये हमेशा n से तो लेस और इक्वल आएगी, क्योंकि जो डिग्री आप ले रहे हो ये पॉलीनोमियल्स v में से ही आ रहे हैं, तो v की कभी जो डिग्री होगी उसको तो कभी क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर के ही पॉलीनोमियल आ रहे हैं अप टू डिग्री n के, तो 2k की वैल्यू हमेशा लेस होगी n के n से। दिस इंप्लाइज k इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n / 2, k इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू n / 2 ये होगा। तो k की वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, अगर n ऑड है तो ये डिफाइन नहीं होगा, अगर इवन है तो वेल डिफाइन होगा, अगर n ऑड है तो ये डिफाइन नहीं होगा, अगर n इवन है तो वेल डिफाइन होगा। तो इसको वेल डिफाइन करने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ v w कितनी आ जाएगी n / 2 + k 1 n / 2।